लगता है कानपुर पुलिस के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। मतदान खत्म होने के बाद से लगातार कानपुर पुलिस पर आरोपों की झड़ी लग गई है। पहले एक सब्जी वाले ने वसूली से तंग आकर आत्महत्या करने का आरोप लगाया, तो उसके बाद मुफ्त में नारियल पानी का। अब एक दरोगा जी पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। इश्कबाज दरोगा की प्रेम कहानी और विभाग में सेटिंग की कहानी काफी दिलचस्प है। आशिक मिजाज दरोगा ने फेसबुक के जरिए पिठोर की लड़की से इश्क लड़ाया। ब्याह का वादा करने के बाद 2.5 बरस लिव इन में रहने के बाद मन उग गया तो साथ छोड़ दिया। लड़की ने जिद ठानी तो वर्दी का रौब दिखाकर धमका दिया। मोहब्बत में ठगी गई प्रेमिका ने पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई तो मुकदमा दर्ज का आदेश मिला। लेकिन कहते हैं कि दरोगा की सिटिंग तगड़ी थी, आदेश फाइलों में दफन हो गया। नए हाकिम आए तो लड़की फिर गुहार लगाने पहुंची। एक बार फिर आदेश हुआ लेकिन थानेदार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। इस दरमियान सट्टेबाजों का पैसा हजम करने के मामले में थानेदार को लाइन हाजिर किया गया। लड़की फिर हाकिम के सामने हाजिर हुई तो उन्होंने आदेश अमल की जानकारी मांगी। सेटिंग गेटिंग की जानकारी मिलते ही पारा चढ़ा तो मंगलवार को इश्कबाज दरोगा के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा हरवंश मोहाल थाने में दर्ज कराया गया। ये थाना हरवंश मोहाल में एक एप्लीकेशन आई थी एक पीड़िता के द्वारा। ये आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं, इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित है। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे, SCP थे, उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का, और इसमें जो सब इंस्पेक्टर है उसके खिलाफ हम लोगों ने डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर दी है। साथ ही साथ जो एविडेंस है उसके बेसिस पे जो है वो इसमें कार्रवाई की जाएगी और एविडेंस के आधार पे जो है वो नियमानुसार अरेस्टिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएगी। ये चूँकि ACP कोतवाली है वो इस पूरे प्रकरण को स्वयं देख रही थी और उनके द्वारा जो है जो फैक्ट्स थे उसको जब एनालाइज किया गया तो तथ्य सही पाए गए, उसी आधार पर भी पंजीकृत किया। दरोगा का नाम है सचिन मुरारका। सदर कोतवाली से हरवंश मोहाल थाने में तबादले के बाद सचिन मुरारका का संपर्क फेसबुक के जरिए पिठोर निवासी लड़की से हुआ। कुछ हफ्ते चैटिंग के बाद सचिन ने इश्क का इजहार किया तो लड़की ने भी रजामंदी जता दी। मोहब्बत का सफर आगे बढ़ा तो सचिन ने विवाह का झांसा देकर लिव इन के लिए राजी कर लिया। हरवंश मोहाल इलाके में दोनों 2.5 साल तक मियां बीवी बनकर रहे। सचिन की जिंदगी में नई गर्लफ्रेंड आई तो बिठुर वाली लड़की से उसका दिल उबने लगा। सचिन का साथ छोड़ने पर लड़की की तमाम आरजू मन्नत पर वर्दी का रौब दिखाकर वापस उसे बिठुर भेज दिया गया। प्रेम में ठगी गई लड़की अब इज्जत के साथ साथ न्याय की लड़ाई लड़ने को तैयार थी। बिठुर वाली लड़की ने अक्टूबर 2023 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर RK स्वर्णाकर से गुहार लगाई। सचिन के साथ चैटिंग और लिविन के साक्ष्य प्रस्तुत किए। दरोगा की हरकत को समझते हुए पुलिस कमिश्नर ने हरवंश मोहाल के तत्कालीन थानेदार विनय कुमार को तत्काल सब इंस्पेक्टर सचिन मुरारका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। थानेदार ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामला रफा दफा करने के लिए सचिन को मोहलत देते हुए कमिश्नर के आदेश को फाइलों में दफन कर दिया। जांच के नाम पर 2 महीने गुजर गए। इसी दरमियान पुलिस कमिश्नर RK श्वर्णाकर का तबादला हो गया। गोरखपुर के ADG अखिल कुमार को कानपुर पुलिस कमिश्नर बनाकर भेजा गया तो फरवरी में लड़की ने फिर दरखास्त लगाई। अखिल कुमार ने सचिन मुरारका को हरवंश मोहाल थाने से हटाकर लाइन हाजिर किया और सख्त शब्दों में मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।